सत्या जी एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आर वी कॉल आपका वेलकम करती है आज के न्यू ब्लॉग में। आज संडे है, 14 तारीख है और बाहर मौसम बारिश वाला भी है और नॉन बारिश वाला भी है। और नाहन में अब के बार इतनी कम बारिश हो रही है ना भाई, इतनी कम बारिश हो रही है, पूरे एरियाज में बारिश हो रही है सिर्फ नाहन छोड़ के। ओके, और मैं आज टाइम पे तैयार हूँ, ठीक है। टाइम मेरे 10:20 हो रहे हैं, 10:30 पे मेरी क्लास स्टार्ट है। जस्ट मैंने नाश्ता किया है अभी, यार थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है, 1.5 घंटे का खाने से पहले, वर्कआउट करने से पहले। बट कोई बात नहीं, स्टूडेंट्स लोग को करवाऊंगी, मैं नहीं करूँगी। तो फिलहाल मैं निकल रही हूँ क्लास और देख लूँ, मिक्स मौसम है, बादल भी हैं, बरखा भी है, मतलब आने वाली हो सकती है, और धूप भी है। नाहन में अब की बार इतनी कम बारिश हो रही है ना, पता नहीं क्यों। लास्ट ईयर ही होली सारे साल की, अब के बार की भी लास्ट ईयर ही होगी। आपको बताइए लास्ट ईयर कितना नुकसान हुआ था। तो बोल तो रहे थे लोग कि इस बार बड़ी तेज बारिशें पड़ेगी, ऐसा होएगा वैसा होएगा। अरे चुनचुनिया चिल्ला जा अंदर, पर देखने में तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। आ जाओ, तो मैं निकल रही हूँ क्लास, अपने आएगी पगला ट्रेन की, तब आपको क्लास में मिला जाएगा। गाइस आज संडे है तो आज टाइम जाएगा क्लास में, बहुत टाइम जाता है आज क्योंकि अपने को वीडियोस वगैरह बनाने रहते हैं। चलो क्लास मिलते हैं। बस देख रहे हो पसीना, पीछे से पूरी टी शर्ट गीली चिपक रही है। जस्ट अभी वर्कआउट क्लास लेके फ्री हुई हूँ अपनी वेट लॉस क्लासेस। 11:20 टाइम हो रहा है, अब आएंगे मेरे बाकी के बैच, लेडीज बैच, बच्चों का बैच। और जैसे ये किसने बनाई है? ये मैंने बनाई। तो गाइस हम लोग ना यहाँ पे ना, मतलब हमको एक फ़नी वीडियो बनानी है, तो उसके लिए हमको एक पेंटिंग बनानी है, फ़नी पेंटिंग। फ़नी इन द सेंस कि वो रास्ता बनाना है हमने। सीनरी होती थी ना पहले कि रास्ता होता था ऐसे, साइड से पानी जा रहा है और लोग खड़े हैं, घास है वैसा। तो ये तो बनाई है जी विहान ने, ठीक है। मैंने बनाई थी। अच्छा, ये बनाई है जी साची ने। तो ये आप इसमें रास्ता आप ढूंढने की कोशिश करें, कहाँ है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बेचारा आदमी का, इसने बेचारा कुक बना दिया हुआ, ये शेफ लग रहा है ऊपर से, है ना। चलो, और तेरा क्या बेटा? और ये कौन सा रास्ता बना रही थी भाई? ये कौन क्या डब्बे डब्बे से बना दिए है ना। और ये है जी जो विहान ने बनाया, इसमें रास्ता कहाँ है मुझे यही समझ नहीं आ रहा। इसमें सिर्फ ये गोले गोले ही दिख रहे हैं, स्पेस में रह रहे हैं लोग। और गाइस ये मेरा नंबर था, मैं बनाने की कोशिश कर रही थी रास्ता। नंबर ये गाइस रास्ता ना बन गई, एनाकोंडा जैसी शेप आ गई है इसकी, इतने हंस रहे हैं ना। क्या एनाकोंडा बना दो, मैं एनाकोंडा बना दो, मैं बहुत अच्छा बन जाएगा। मैं पेड़ बनाऊंगी देखना, व्हाट अ पेड़ मैम। तुमने अपनी मैम की ड्राइंग को ऐसे सोच रखा, अभी देखिए तो बंदे भी बैठेंगे इनकी शाखाओं पे। हाथ कहाँ इनके? वो हाथ में बनाना भी दे दो। पिछवाड़ा कहाँ गया? ये इनके पैर लटके हुए हैं। और गाइस ये भी लोग हैं यहाँ पे, एनाकोंडा के ऊपर पेड़। गर्दन थोड़ी ज्यादा लंबी होगी गाइस, एडजस्ट करें। अभी कुछ भी एनाकोंडा भी ऊपर ना होगा पेड़, अबे कछुआ जैसे लग रहा है। अब मुंह बना ना भूल के मेरा ना बैठे एनाकोंडा का। ओ भाई लग तो कछुआ ही रहा है अभी, कछुआ तो बात हो गई यार, पैर बना देते हैं इसके। यहाँ से थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया। कोई बात नहीं गाइस, हमारे बंदे हैं, हमारी घास उतरी है, रास्ता नहीं। मैम मैम ये मैम क्या है ये? यहाँ पे घर बनाएंगे, पानी के अंदर पानी है वो, बहुत अच्छा रास्ता है। ये खिड़की है, ये दरवाजा है। मैम ऊपर का छत गायब हो गया, ये चिमनी है गाइस, ठीक है। धुआं निकल रहा है, मंदिर लग रहा है। ये यहाँ पे बैठा हुआ है बंदा, वेट कर रहा है, अभी तक आया नहीं। चलो विंटर मैम का बंदा कितना सुंदर है।
और ये हमारी है चौखट, ठीक है गाइस। चलो जी, चलो गाइस कमेंट करके बताइए किसका ज़्यादा अच्छा है। ऑब्वियसली मेरा ही, नो एनी डाउट। ये घास 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 टेडी मेटी होनी चाहिए ना। चलो पीछे करें अभी, ऐना अब नहीं लग रहा बेटा ऐना मुंडा, ये बस उसी टाइम ही लग रहा था। मैं मुझे सबसे नाजी मम्मी हान का वो छोटा सा लड़का देखती हूँ मैं इतना सा। गाइस ये बंदा कम कछुआ तो लग रहा है वैसे। कोई बात नहीं, तो गाइस क्लास क्लास खत्म करके मैं घर पहुंच चुकी हूँ, कब की काफी कब की बहुत पहले की, और घर पे हमारे आए हुए हैं गेस्ट वगैरह। हियर विद मी एंड हियर विद मी विद माय भाभी। अपने भी रंग लो मासी साथ साथ, इनके भी लगा दो। तो ये है जी दुग्गल जी के कजन्स जो कि आज अपने बाल रंगवा रहे हैं हमारी आज की ब्यूटिशियन से, जो कि है उस काकी मासी। ये छुपा हुआ टैलेंट था गाइस मासी का जो कि आज आपको देखने मिल रहा है, और ऐसे बहुत सारे टैलेंट है जो आपको देखने को मिलेंगे आए दिन हमारे घर में गाइस दुग्गल फैमिली में। तो और क्या, यूट्यूब पे लॉन्च करूंगी फटाफट, कहाँ करूँ। और चुन चुन सोच रही है कि ये चल क्या रहा है इन लोग का। हाँ तुझे कोई लेना देना नहीं है, तू बस जीभ निकाल के लेटी रहा कर, है नी। बाकी बच्चा पार्टी अपनी अंदर है, हेलो तो कर दे रीनू। हेलो। और रीनू गाइस जिनके घर हम गए थे ना राजगढ़, ये वही है, अभी आप पहचान ही रहोगे उसको। होली ऐसा बना हुआ ना उसका। खाना वाना खा चुके हैं जी सब लोग, आज खाने में हमारे राजमा बने हुए थे जो कि रपचिक बने हुए थे। दुग्गल जी अपने अड्डे पे हैं जी, इनको दिन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ये सोने में व्यस्त है इंसान, है ना। पर ये दो इंसान यहाँ पे बैठे हुए हैं सब फोन में बिजी बंदे, ये अज्जू, ये है अज्जू और ये है अभी। बोलो भाई लोगों, तुम भी बोलो बेटा कुछ। आ उ ई मतलब पहले पब्लिक कंफ्यूज आएगी, आ कौन जाते हैं नए नए लोग। नहीं जानते हैं तुझे, तुझे दिखाया नहीं मैंने व्लॉग में, तुझे जानते हैं लोग। हाँ चल कोई नहीं, मैं याद करवा दूंगी गाइस। ये जो रीनू जो मैंने मिलाई है उनका बेटा है, और ये रीनू की बहन का बेटा है अज्जू जो कि पौंटा साहिब रहता है, और ये देहरादून से आजकल कोचिंग ले रहा है और छुट्टियों में यहाँ पे आया हुआ है। और मेरे वाला भी दिखा देती हूँ, गाय ये राजी मेरे वाला, ये देखो सब लोग बिजी है भाई लोगों, सब लोग लगे पड़े हैं। इसका कोई स्कूल में कोई वो समर कैंप, आई हाय नोनी समर कैंप लगना है, तो उसमें इन लोगों को कॉम्पिटिशन है गेम का, मेरे को प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस चल रही है जी इसकी, ठीक है। तो ये सारे झोल चले हुए हैं यहाँ पे, अब मैं सोना चाहती हूँ एक घंटे के लिए, कृपा करके मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और शाम को अज्जू हमारे को कुछ बना के खिलाने वाला है गाइस। अज्जू की छुपी हुई टैलेंट ये है कि अज्जू बहुत अच्छा खाना बनाता है। क्या बनाएंगे जी, अब किचन देख ले बेटे जाके, नानी को पूछ ले, काकी नानी को सुन ले, काकी नानी को पूछ ले, जो अवेलेबल है उसी में जुगाड़ बना के खिला दियो, नहीं तो तेरे पीछे पड़ रहेंगे ये क्या खिला रहा क्या खिला रहा। नोनी जितना ही है गाइस ये, और एक नंबर खाना बनाता है ये, और नई नई डिशेस बनाता है। किचन के हाल दिखाएं आपको आज हमारे, ये देखो जी किचन पूरी बिखरी है, और ये पहाड़ बने हुए हैं जी अपने बर्तनों के, ये मुझे मानने पड़ेंगे शाम को, क्योंकि मैंने मासी को बोला कि मासी मैं अभी नहीं मान सकती, मैं थकी हुई हूँ, शाम को मान जाऊंगी। मासी भी थक गई बेचारी, लोग का खाना बना के इन काम करके, कुछ तो सपोर्ट करना बनता है ना गाइस। नहीं आपको दिन दुनिया से कोई लेना देना नहीं, आपका अलग से लवा सिस्टम की देख दे तुसी। ये वीडियो बनाई हो तू इस तरह की मैं तो कभी भेज दी। अच्छा जी ठीक है, तो थोड़ी देर गाइस मैं रेस्ट करूंगी, फिर वापस ब्लॉग में बनी रहूंगी, ठीक है। बने रहें आप भी बने रहें ब्लॉग में। एंड ये यहाँ पे गाइस पकौड़ा पार्टी चल रही है सब लोगों की, दुग्गल जी पकौड़े लेकर आए थे ऊपर से पनीर के पकौड़े, तो वही सब लोग बैठ के खा रहे हैं इधर। गेस्ट को छोड़ने जा रहे हैं हम, आज इतनी गंदी गर्मी हो रही है ना हाल में ना, भयंकर वाली गर्मी, चिप 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 चिप। ये साड़ी गड्डी नोनी रीनू पड़क देसी बैठ गई इधर रीनू। हाँ हाँ इस तरह बैठे कर रही थी मेरे साथ भी इस तरह। भले नोनी ने गेर ना दिया, वो आगे गई अपनी बुआ को देखे सही सलामत पहुंचा देगी। नहीं गिरे तो नहीं पड़े कहीं, हाय हाय सांस चढ़ गए भाई यहाँ तक को, मैं तो नहाऊंगी जाके घर पे। रही तो ये खड़े आगे तो यहीं तक तो आना। अच्छा मैं सोचा ऊपर गए,
ओह गॉड, नोनी आराम से चल ले, आराम से सीखिए ना, दिखाई जा। ओ गाइस, इसने ना मेरी स्कूटी ठोक के आ रखी है, आपको दिखाऊंगी मैं भी घर जाके। पता नहीं क्या ही करने की कोशिश कर रहा तू यार, देख पूरी हिल रही, देख आगे से पूरी हिल रही, इनने स्कूटी ठोकी है गाइस, मैं भी बताऊंगी मैं आपको अभी इसकी करतूते। चला जा तू, नहीं उन्होंने घर चला जा, स्कूटी लेके तू ड्रामे ना कर जा है, थोड़ी देर के लिए निकाल के रखा हुआ मैंने इसको ना। ये पता नहीं कहाँ बीच में गुजारी, मच्छर ने काट दी टांगे मेरी तो। ग्रीन 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 नहीं, नंगी नंगी टांगे दिख रही है ना निकल वाली। चलो जी बाय गाइस, सी यू गाइस, बाय बाय। 24 तारीख को अब ब्लॉग में देखना, ब्लॉग में देखना, ब्लॉग में देखना, बाय बाय। पसीने साफ कर रहा पाउडर सा गाइस, चुन चुन को लेके जा रहा ये कह रहा मेरे साथ बैठ जाओ, हम में से कोई नहीं बैठा, चुन चुन में बिठा रखे इसने जबरदस्ती पकड़ के। सीजो तो सीजो अपने आप चढ़ के बैठ जाता ऊपर। गाइस बाहर बैठे हुए थे थोड़ी देर के लिए ना, क्योंकि बाहर बैठ के थोड़ा बेटर लगे, और बाहर थोड़ा मौसम फिर भी हवा हवा चल रही है तो थोड़ा बाहर ठीक फील हो रहा है। इतना चूंड लिया ना बाहर बैठ के मच्छरों ने, पूरे पैर सजा दिए मेरे, मैंने लोअर पहन लिया हुआ है जब भी। और हम लोग, मैं और दुग्गा जी थोड़ा यहाँ पड़ोस में भी जा रहे हैं, हमारी पड़ोसन की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है आजकल, तो वो एडमिट वगैरह होके आए हैं, तो हमको वहाँ जाना है पूछने तबीयत वगैरह। तो फिर आपको मैं अभी थोड़े घंटे बाद मिलूंगी वापस ब्लॉग में, ठीक है। पसीने इतने आ रहे हैं ना, गर्मी इतनी बढ़ गई है, नहान में बारिश नहीं आ रही भाई यहाँ पे। चलो चलते हैं, आज तो कूलर के बगैर काम नहीं चलेगा। चलो जी चलिए, कहाँ रुक जो बेटे। तो आज दोपहर से लेके खाना 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 ही चल रहा है, देख लो फिर खाने बैठ गए है ना। और आज मैं सर पे चौथी बार वो तेल लगाऊंगी, और वो तेल मैंने मंगवाना भी है 2-4 दिनों के लिए। कल मेरा मंडे ऑफ है ना, तो कल उन लोग को कॉल करूँगी, अगर आप लोग को चाहिए वो किसी को ऑयल बता देना है, इसका ऑर्डर दे दूँगी और मंगवा दूँगी। पता नहीं भेजेंगे ये लोग की नहीं, कोशिश तो करूँगी मैं, कॉल पर बात करती हूँ लोगों से कल है ना। बाकी मैं वही वाला तेल लगाऊंगी अभी, आयुर्वेदिक वाला, और बाल बढ़ाऊंगी। ये गाइस फिलहाल हम खाना खा रहे हैं, और ये मिर्च बिल्कुल तीखी नहीं है, बस टेस्टी है, ये तीखी नहीं है, लगती नहीं है ये, अदरवाइज मैं मिर्ची कभी नहीं खाती। और फ्राई तो गाइस ऐसे बुरे हाल हो रखे हैं ना नहान वालों के, पिछले 1.25 घंटे से यहाँ पे लाइट नहीं है, पिछले 10 बजे से लेके, ठीक है। और गर्मी से उबल उबल के बुरे हाल हो रखे हैं यार, पता नहीं क्या करें ना। ये फोन उठा रहे हैं कंप्लेंट वाले, क्या करें, बहुत अजीब से आ रही है, इनकी कंप्लेंट करो यार। नहीं उठा रहे फोन भाई, ये चार्जेबल बल्ब जल रहा है गाइस यहाँ का है ना, चाची और की लाइट की तो लाइट तो है ऊपर वाली, ऐसा तो नहीं हमारी उड़ रही साथ, ओनली लाइट हमारी तो नहीं जा रही। तनु मनु के नीचे की लाइट तो है, जबकि नीचे की तो होती नहीं इनकी, ये कौन रोई जा रहा है इतनी रात को। पिछले 2 घंटे से लाइट नहीं है, 2 ही घंटे होने वाले हैं, 1.5 घंटा तो हो गया हम बैठो यहाँ पे, इतनी मच्छर खाएंगे अब यहाँ पे बैठ के यार, अच्छी इसलिए गुस्सा आता है बस नहान वालों पे। वो चले गए पड़ोसियों के भाई, भाग गए। फाइनली लाइट आ चुकी है गाइस, जैसे मैंने व्लॉग बनाया लाइट का वैसी लाइट पर आ चुकी है फाइनली। टाइम देख लो उतना ही है, 2-4 मिनट ऊपर नीचे है। हाय जन्नत, कूलर जन्नत भाई, इसके आगे जिंदगी आजकल झंड हो रही है। तो ठीक है गाइस, व्लॉग को ये पेंट करती हूँ। ये क्या है, ये स्पार्कल स्पार्कल कहाँ पे है, शीशे में है या यहाँ पे है, ये शीशे की गंदगी दिख रही है क्या है गाइस ये, हाउ व्हाट इज दिस मैन, जो भी है बट कूल है ना, कितना पालू पालू से लग रहा है ये स्पार्कल से, शीशे में तो नहीं है ऐसा, ये ऐसे क्यों, ये चिंगारियां से चल रही है, इसमें भी चल रही है, इसमें अलग तरीके की चल रही है, इसमें भी चल रही है देख लो। वैसे तो लाइट ऑन है, फ्लैश कैमरा फ्लैश ऑन है इसके सामने की। तो ठीक है गाइस, ब्लॉग को यहीं पेंड कर दे रही हूँ है ना, बिग बॉस देख रही थी वैसे मैं, आज बैठ के देखती नहीं हूँ वैसे मैं, कुछ एक क्लिप्स देख लेती हूँ कभी कभार। चंद्रिका, आई जस्ट हेट दैट गर्ल, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, 1 नंबर की ड्रामेबाज है वो,
छोटे छोटे क्लिप्स देखती रहती हूँ जो बीच बीच में आते हैं, तो आज मैंने फुल एपिसोड देखा पिछले कल का सैटरडे का, और अब देखूंगी मैं संडे का, मतलब आज का आधा पौना घंटा बैठ के फिर सोऊंगी। मंडे मेरी छुट्टी रहती है तो पेट भी उठ सकती हूँ ना कल, ठीक है। तो व्लॉग पे ही पेन करती हूँ, कल के व्लॉग में आपको वापस मिलूंगी। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, मेरे यूट्यूब चैनल पेज भी फॉलो कर देना, जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हो वो चीज़ को लाइक कर देना, शेयर कर देना, फॉलो कर देना गाइस, ऐसे अपना प्यार देते रहना और इसे 10 गुना 100 गुना देना। इस पागल आपको कैसे लग रहे बताना। बाय।